राजस्थान के उदयपुर, जहां पर देखिए बुलडोजर एक्शन अब होने लगा है। बुलडोजर घर के करीब आ चुका है। यहां पर जो पुलिस फोर्स है उसकी मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन, भीड़ को यहां से दूर हटाया जा रहा है। और यहां दो जेसीबी आप देख सकते हैं जिसके माध्यम से ये कार्रवाई की जाएगी। इस मकान को गिराने की कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वन विभाग की जमीन है। कल इसको लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन जब कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जब कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, तो उसके बाद अब टीम पहुंची है। प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद जहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। उदयपुर में कल हिंसा की खबर सामने आई थी, छात्रों के बीच विवाद हुआ, चाकूबाजी की घटना सामने आई और उसके बाद से इलाके में तनाव की स्थितियां देखने को मिली थी। जो गाड़ियां हैं आग के हवाले कर दी गई थी, आगजनी हुई थी। उदयपुर की बात करें तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई थी। लेकिन अब देखिए तस्वीरें, बुलडोजर एक्शन यहां पर हो रहा है और मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। एक बुलडोजर चलने लगा, आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो घर का आगे का हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है। दूसरे बुलडोजर से भी, दूसरी जेसीबी से भी कार्रवाई हो रही है। यहां पर अधिकारियों की टीम भी पहुंची, हालांकि मीडिया के सामने अभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये घर को ध्वस्त करने की तस्वीरें आपके सामने। माना जा रहा है कि ये जो घर है अवैध रूप से बनाया गया, क्योंकि ये जमीन वन विभाग की जमीन है। नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ये कार्रवाई की जा रही है। मकान मालिक की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि जो आरोपी है वो तो किराए पर यहाँ पर रहता था। मकान मालिक की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी क्या गलती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो घर हैं वो तो वन विभाग की ही जमीन पर बने हुए, तो उनका क्या दोष है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो मकान मालिक कहते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश तस्वीरें दिखाएं, आप बताएं कि अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए पहली बार उदयपुर में बुलडोजर चला है और देखिए तमाम सवाल उठाए गए थे किराए मकान मालिक की तरफ से और उसके अलावा जो यहाँ पर रहने वाले पड़ोसी लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में जवाब तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और बुलडोजर चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और देखिए धीरे धीरे करके इस मकान को जो है वो ढहाया जा रहा है। लोग यहाँ पर थे उनको पहले पीछे हटाया, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तैनात है पहले, और आसपास के जो मकान है ठीक उससे एड जॉइनिंग जो मकान है वहाँ पे सबको हटा दिया था और पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो ऊपर भी जो मकान बने हुए थे वहाँ पर भी पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। ड्रोन की सहायता से यहाँ पर पूरे इलाके में जो है वो नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी जो है अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर नहीं हो। और देखिए जो एक सख्त मैसेज है, भले ही कुछ सवाल उठाए गए हो लेकिन एक ऐसे मैसेज कि इस तरह का जो भी कृत्य करेगा उसके खिलाफ, अब राजस्थान में भी भजनलाल सरकार भी योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई करेगी और जो इस तरह के मामलों में संलिप्त पाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उन लोगों के को सोचने पे मजबूर करेगी जो कि बिना ही सोचे समझे इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं, क्योंकि कल जब ये घटनाक्रम हुआ था सीधे तौर पे लोगों ने यहाँ पर इसको कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़ के देखा और उसके बाद में बड़ी मात्रा में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनकी यही मांग थी कि जो आरोपी है उसके घर को ढहाया जाए। हालांकि यह प्रोसेस इतना आसान नहीं था, बावजूद उसके जिला कलेक्टर अरविंद कोसवाल, पुलिस प्रशासन, नगर निगम आयुक्त, तमाम लोगों ने मिलके जो विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है उसको यहाँ पर अंजाम देते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की है और धीरे धीरे करके इस मकान अविनाश को, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो मकान मालिक है उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इससे आरोपी को क्या फर्क पड़ेगा कि जिस किराए के मकान में वो रह रहा था उस मकान को तोड़ दिया गया। हालांकि एक सख्त संदेश जरूर जा रहा है, लेकिन मकान मालिक की भी अपनी यहाँ पर आरोप है, कई सवाल भी है। अविनाश
जी बिल्कुल, देखिए मकान मालिक से हमने बात की थी, उन्होंने कई सवाल उठाए थे कि दो किराएदार रहते थे, दोनों को यहाँ पे मकान जो है वो खाली करा दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके उनकी कहाँ गलती है, क्या मकान किराए पे देना गलती है या अगर किराए पे दिया है और अगर किसी ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है तो उसमें किसी भी मकान मालिक की क्या गलती हो सकती है, तमाम तरह के सवाल मकान मालिक ने उठाए थे। और उसके अलावा जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले और जवाब नहीं मिली तो ये बुलडोजर कार्रवाई, भले ही जो आरोपी है वो यहाँ पर किराए से रहता था उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सख्त मैसेज जो है वो जाएगा कि चाहे कोई भी हो अगर किसी ने कानून तोड़ने का प्रयास किया उसके खिलाफ विधि सम्मत सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और यही कारण है कि अब दो बुलडोजर के जरिए उस मकान को धराशाही यहाँ पर किया जा रहा है। जी लेकिन अविनाश, बड़ा सवाल जो कि मकान मालिक की तरफ से उठाया गया कि अगर यही बात है कि वन विभाग की ये जमीन थी उसके ऊपर अवैध रूप से अगर हमने घर बनाया है तो ये तो पूरे जो घर बने हुए हैं वो अवैध रूप से ही बने हुए हैं तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये मकान मालिक भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन जो आरोपी है वो तो कहीं और का रहने वाला है, उसका घर कहीं पर और पर है, वहां तक भी पहुंचा जाना चाहिए। देखिए क्योंकि प्रारंभिक तौर पे ये कार्रवाई की गई थी क्योंकि केवल एक ही मकान मालिक को नोटिस, जो कलेक्टर अरविंद पोसवाल से हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि एक मकान को नहीं दिया गया है नोटिस, और भी कई लोगों को नोटिस दिया गया है, लेकिन देखिए कि एक मैसेज प्रशासन की तरफ से जो जिसको दिए जाने की बात कही जा रही थी कि एक मैसेज जाना चाहिए लोगों के बीच में, किसी तरह से अगर कुछ भी कार्रवाई होती है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जिससे कि कई तरह से रहिएगा आप हमारे साथ। तो इस बीच तस्वीरें लगातार जी न्यूज दिखा रहा है उदयपुर से, जहां पर चाकूबाजी के मामले में जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इस वक्त आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये आरोपी इसी घर में किराए पर रहा करता था, हालांकि मकान मालिक का कहना है कि उसको हटा दिया गया, उसका रूम खाली करवा दिया गया, यहाँ एक और परिवार किराए पर रहा करता था उसको भी हटा दिया गया, लेकिन मकान मालिक अपने आरोप जरूर लगा रहा है। दूसरी तरफ जो प्रशासन की टीम है वो एक सख्त संदेश भी यहाँ देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो ये सख्त कार्रवाई होगी। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अविनाश तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूसरे जो घर हैं अवैध रूप से यहाँ पर बने हुए हैं उनको भी नोटिस थमाया गया है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए हालांकि इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं है, जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो इस मामले में अभी कुछ भी किसी भी मामले पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, पुलिस जाप्ता यहाँ पर तैनात है। अब तमाम जो मीडिया कर्मी जो मकान के आसपास में थे उनको भी वहाँ से हटाया गया है, क्योंकि अब ऊपर का हिस्सा जब ढाएंगे तो मलबा जो है वो नीचे गिर सकता है, ऐसे में तमाम लोगों को यहाँ पे पीछे किया गया है और अब JCB की सहायता से इस मकान को ढहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि वन विभाग की जमीन है वहाँ पर ये मकान बना हुआ था, दस्तावेज मांगे गए थे, संभवतया कि सभी कुछ अन्य मकानों पे भी नोटिस चस्पा करने की बात जो है वो सामने आई थी, लेकिन अब आगे किस तरह से प्रशासन का रुख रहता है या केवल ये एक सख्त मैसेज देने के लिए ये कार्रवाई की गई है ताकि क्योंकि उदयपुर में जो कल जब ये घटना हुई थी तो उसके साथ पूर्व में कन्हैया हत्याकांड के बाद में जो छुटपुट घटनाएँ हुई थी, चाहे किसी व्यापारी को धमकी देना हो दुकान में घुस के, इस तरह की वारदातें या छेड़छाड़ की वारदातें जो हुई थी, उन तमाम चीज़ों को लेके बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया था, और यही कारण है कि लोगों ने मांग की थी कि जो यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी भजनलाल सरकार जो है वो बुलडोजर कार्रवाई करे। और देखिए जैसे ही ये मांग उठी और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में कहें या
अन्य अधिकारियों के साथ में ऊपर ये बात पहुंचाई गई, तो कहीं ना कहीं विधि सम्मत कार्रवाई करने का जो है वो सिग्नल मिला, और यही कारण है कि यहाँ पे ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तो राजस्थान में योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। उदयपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हालांकि बता दे ये मकान मालिक का घर है। जी न्यूज पर बुलडोजर एक्शन एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अविनाश ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद है। अविनाश आपका रुख करेंगे, तस्वीरों को आप देख रहे हैं उदयपुर राजस्थान से, जहां पर मोइन का घर जो है उसको गिरा दिया गया है और बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। किराए के घर में रहता था आरोपी, मकान मालिक का ये घर है। जी न्यूज पर इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चाकू चलाओगे तो घर पर बुलडोजर गिरेगा, ये योगी मॉडल है। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर कार्रवाई देखी है, लेकिन अब राजस्थान में भी ये देखने को मिल रहा है। अविनाश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें एक एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए। और मोइन का घर गिरा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ये किराए का घर है, मोइन यहाँ पर रहता था, मकान मालिक के घर को यहाँ पर ढहाया जा रहा है बुलडोजर से। और उदयपुर में चाकूबाजी के बाद से ही लगातार हम देख रहे थे किस तरह से तनाव की परिस्थिति बनी हुई थी। 16 अगस्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आगजनी की गई इस पूरे मामले में। जो आरोपी है उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के बीच स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट की जो सेवाएँ हैं वो भी बंद कर दी गई थी, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर कोई भी किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाए। जी न्यूज़ पर इस वक्त ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई आप देख रहे हैं उदयपुर राजस्थान की। मोइन का घर गिराया जा रहा है और ये मकान मालिक का घर है, आप देखिए किस तरह से। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मोइन का घर गिराया जा रहा है और इन सब के बीच में उदयपुर से ये तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। मकान मालिक के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, किराए के घर में रहता था आरोपी। और अब बड़ा सवाल ये भी, आपको बता दें आरोपी के अलावा जो और लोग यहाँ पर रह रहे थे किराए पर, उनको भी खाली करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आसपास अगर कोई अवैध निर्माण है तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही कि उदयपुर में जिस तरह की घटना हुई, आरोपी के घर के बाहर भी आप देखिए जो पुलिस बल है वो तैनात है, इन सब के बीच बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी तस्वीरें आपने उत्तर प्रदेश में अमूमन देखी होगी कि आरोपियों के घर को ढहा दिया जाता है बुलडोजर से। लेकिन उदयपुर में जब ये घटना हुई तो उसके बाद लगातार जनता ये मांग कर रही थी कि बुलडोजर कार्रवाई यहाँ भी हो और आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए किस तरह से जेसीबी की मदद से घर को ढहाया जा रहा है। आसपास सुरक्षाकर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी कार्रवाई होती है तो लगातार हम देखते हैं कि आवाजें भी उठने लगती हैं। और ऐसे में कोई भी तनाव की स्थिति पैदा ना हो और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कंट्रोल में रहे, इसके लिए पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। सुरक्षाकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और आरोपी के घर पर भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो मोइन का घर आप यहां पर देखिए किस तरह से ढाया जा रहा है। उदयपुर की अगर हम बात कर ले तो किस तरह से चाकू चलने के बाद यहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई। 16 अगस्त को जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह थी, आगजनी की गई पूरे इलाके में। और इसके बाद से ही सीधे रुख करते हैं अविनाश के पास। अविनाश, एक नहीं बल्कि दो दो जेसीबी इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दो दो जेसीबी यहाँ पे नज़र आ रही है और एक के बाद दोनों जो रूम यहाँ पर बने हुए थे उनको ढा दिया गया है। और अब ऊपर की तरफ जो सामने जो रूम बने हुए थे उनकी छत को ढहाने का काम शुरू हो चुका है। और पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर आगे, जो मीडिया कर्मी पहले आगे थे उनको उन्होंने पीछे किया है, ताकि किसी तरह का यहाँ पर कोई जो है घटना ऐसी नहीं हो कि कोई चोटिल नहीं हो। लगातार यहाँ पर दोनों ही जेसीबी के जरिए जो मकान में एक मंजिला मकान जो था उसके कमरों को ढहाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और देखिए एक कमरा जो साइड में बना हुआ था उसको पूरी तरह से ढहा दिया गया है। और अब आगे की तरफ जेसीबी गई है और पूरी तरह से जो ऊपर की छत थी एक कमरे की उसको ढहा दिया गया है। और अब आगे जो पूरा जो आगे की तरफ जेसीबी बढ़ के और पूरी छत को ढहाने का यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। और लगभग पूरे ही मकान को यहाँ पर ढहाने का जो
काम जो है वो पूरा यहाँ पर किया जाएगा। आसपास में जो लोग खड़े हुए थे, पुलिस का बड़ी संख्या में जाप्ता यहाँ पर पहुँचा, उनको यहाँ से हटा दिया गया। आसपास की छतों पे जो लोग थे वहाँ पर भी पुलिस के जवानों को तैनात यहाँ पर किया गया है। और अब धीरे धीरे करके लगातार एक एक करके तमाम कमरों को, बरामदों को और छत को ढहाने का यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। पहली बार उदयपुर में जो है बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक सख्त संदेश प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि बिल्कुल। अविनाश, कितने समय से यह आरोपी यहां पर रह रहा था और आरोपी के साथ कौन कौन लोग इस घर में रहते थे, कोई जानकारी? देखिए, दो किराएदार यहाँ पर रह रहे थे और आरोपी पिछले 3 से 4 सालों से यहाँ पर रह रहा था। देलवाड़ा का मूल रूप से रहने वाला है, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उसके पूरे सामान को यहाँ से पहले खाली किया गया और उसके बाद जो अन्य किराएदार था और कुछ सामान जो मकान मालिक का यहाँ पर रखा हुआ था उसको यहाँ से खाली कर दिया गया। नगर निगम की जो टीम आई थी उसने उसमें मदद की और उसके बाद अब धीरे धीरे करके जब पूरा मकान खाली हो गया तो बड़ी संख्या में पुलिस का जवान पूरे तरह से तैयार होकर यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। अब देखिए, जो जिस मलबे को ढाया गया है उसको यहाँ से बीच रास्ते से हटाने का काम जो है वो जेसीबी कर रही है और जैसे ही वो मलबा आगे से हटेगा और जेसीबी थोड़ी और आगे बढ़ेगी और पीछे की तरफ जो छत देख सकते हैं उस छत को ढाया जाएगा। तो कुल मिला के पहले ये संभावना थी कि क्या कुछ हिस्से को ढहाया जाएगा या पूरे ही मकान को, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसको देख के एक साफ है कि पूरे मकान को ढहाने का यहाँ पर जो है पूरे मकान पे बुलडोजर चलेगा। 800 स्क्वायर फीट में 3 रूम बने हुए थे, 2 फ्रंट में 1 साइड में लेटरिन बाथरूम यहाँ पे थी, पानी की टंकी यहाँ पर थी, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे थी। लेकिन अब जबकि जो कल चाकूबाजी की घटना के बाद में स्थिति बिगड़ी और लोगों ने जो मांग की थी उसके बाद में प्रशासन अलर्ट में आया और ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए, जैसे ही जेसीबी ने आगे कुछ रास्ता बना है, जेसीबी जो है वो आगे बढ़ी है और संभवतः अब आगे जो छत का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको ढहाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि आसपास में ठीक पीछे और एक अविनाश हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आसपास कई घर सटे हुए हैं तो उनको नुकसान न पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच एक संदेश, एक मैसेजिंग देने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि अगर आप चाकूबाजी करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेंगे तो बुलडोजर कार्रवाई से आप बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, ये सख्त मैसेज मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा ने दिया है, क्योंकि उदयपुर में लगातार, उदयपुर शांत शहर के रूप में प्रदेश ही नहीं देश में माना जाता है और सात समुंदर पार से हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। पीसफुल सिटी है, लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती जिससे कि लोगों में एक आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और जब कल देवराज के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ था उसको लेके और बाद में ये मांग उठी थी। हमारे सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ में, वो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जी अखिलेश, देखिए, जिस प्रकार से जो कार्रवाई आज बुलडोजर की पहली जो कार्रवाई उदयपुर में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ये सख्त मैसेज है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सरकार की ओर से सहन नहीं की जाएगी। और उसके अलावा दूसरी बात करें कि आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो जाप्ता सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी काफ़ी व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की ओर से की गई है। और जो ये मकान जो ढाया जा रहा है वो सबसे बड़ा था कि फॉरेस्ट लैंड पे बना हुआ था और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, वन विभाग की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही कि स्टार्टिंग से आप देखने मिलती, क्योंकि यही मकान है, इसके अलावा दूसरे जो मकान भी हैं जो भी फॉरेस्ट लैंड पे हैं। तो एक जो सवाल जो लोगों का कहना है कि भाई, एक तो कम समय का शॉर्ट नोटिस दिया गया था हमारे को, उस शॉर्ट नोटिस के बाद इस पर कई कार्रवाई की गई है, दूसरे जो मकान है वो भी इस तरह से फॉरेस्ट लैंड पर जो है वो अवैध रूप से बने हुए हैं, तो उनको भी गिराने की जिस प्रकार जो मांग लोगों ने की है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये चीज़ देखनी होगी कि जो मैसेज है वो सख्ती के साथ साथ ये भी जाए कि किसी के पास पार्शलिटी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से नहीं बरती जाएगी, जो गलत करेगा उसको इस प्रकार का अंजाम भुगतना होगा। जी, ये कार्रवाई शुरू हुई थी, आप हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से यहाँ पे आए। ठीक है, अविनाश लौटेंगे आपके पास, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उदयपुर में। Z News.